नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज सबसे पहली बात तो हमने अपना एक हेलमेट माउंट प्रोडक्ट मंगाया है, जो बाइक चलाते हुए अगर हेलमेट में मोबाइल को कैसे लगाया जाता है उस तरह का जो संस्थान होता है उसे हेलमेट माउंट कहते हैं। किसी तरह से बोले जैसे मोटो ब्लॉगिंग का, तभी मोटो ब्लॉगिंग भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम आपको पहला वीडियो लखनऊ बनारस वाले हाईवे से लेके चल रहे हैं दिखाते हुए, और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब आप लोगों की डिमांड और आसानी से पूरी होगी। बहुत सारे गांव मोहल्ले हैं जो आप लोग को दिखाएंगे इस मोटो ब्लॉगिंग के माध्यम से, तो आप लोग अब फटाफट रिकमेंडेशन करते रहना। अभी हम 4 लेन हाईवे पे हैं और इधर क्या बोलते हैं रंगापुर साइड से होके निकले हैं, उससे पहले कालीपुर पड़ता है वहाँ से गाँव, तो वहीं से निकले हैं। अब चल रहे हैं आगे की तरफ हाईवे पे। और कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिसरौली हमारे सामने ये बाई तरफ है और ये मिसरौली चौक है छोटा सा, इधर मिसरौली का गेट वगैरह बना सारा, और यहीं से दाहिनी तरफ पुराना जो मिसरौली चौराहा था उस साइड का रास्ता है। तो अभी आसपास के लोग को तो पता है कि इस रास्ते से हैं और रात का नज़ारा ही कुछ अलग है। तो अब आप लोग को कुछ ऐसे भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे जो बाइक पे राइडिंग करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा लगता है, कुछ चेंजेस आने चाहिए। तो अभी हमारे चैनल पे एक और टाइप का वीडियो मिलेगा जो मोटो ब्लॉगिंग कर रहा होगा किसी भी मार्केट में किसी भी चौराहे का। तो शानदार रास्ता है, शानदार नज़ारा है रात का। और एक सबसे बड़ी चीज़ आप लोग को कहना चाहेंगे, वियर हेलमेट बिफोर राइड योर ट्रिप। जब आप हमेशा किसी भी छोटी या बड़ी ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। हेलमेट सेफ्टी सबसे पहले, सबकी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं कहीं भी जाइए, हेलमेट पहनिए। आप लोग के लिए सजेशन सुझाव कि हमेशा जरूरी है। और हेलमेट पहनने से बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे लोग को फैशन के दौर में हेलमेट अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आने वाले किस मोड पे क्या हो जाए। तो भाई आप लोग सेफ्टी से रहिए, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन ये सारा चीज़ हमने अपने अलग तरीके से बनाया है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं है और कम्फर्टेबल है। रंगापुर टाइम बोर्ड लगा है और फिलहाल अभी मज़े की ठंड हो चुकी है और ठंडे ठंडे माहौल में अभी बाहर निकलते समय जैकेट वगैरह पहनना पड़ता है, नहीं तो ठंडी लग जाएगी, कहीं भी जाएगी। अब ठंडी अपने रुक के आई है, ठंडी आगे बढ़ती जाएगी। तो अभी हम गुड़ियावा है उसको क्रॉस करके आगे पहुँचे हैं।